गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको 14.3 करनी दी थी घर से। फर्स्ट क्वेश्चन करा दिया था मैंने, सेकंड क्वेश्चन मैं क्लास में कराऊंगी। ये थर्ड क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा हमें, वो देखेंगे क्या है। एक पॉइंट कल रह गया था थोड़ा सा बताना, वो भी देख लेंगे आज ध्यान से। इससे पहले देख, कुछ बच्चे मतलब प्रॉब्लम थी उनकी कि बोल रहे थे कि 14.1 में हम कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं क्या, कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं हम 14.1 में। थर्ड मेथड हम ज्यादा यूज कर रहे हैं ताकि उस पर प्रैक्टिस ज्यादा कर लेना, उससे हमारा थोड़ा सॉल्यूशन ठीक, मतलब गलती होने के चांसेस कम होते हैं उसमें, ठीक है, कैलकुलेशन ठीक रहती है हमारी। तो 14.1 में आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। और ये कुछ बच्चे हो सकता है बाद में ऐड हुए हैं ग्रुप में, तो सभी को फेयर नोटबुक लगानी है, उसमें पहले बेसिक करना है आपको नंबर सिस्टम का, और उसके बाद जो 9th क्लास की आपकी बुक है उसमें बेसिक फॉर्मूले जो हैं वो करने हैं, बता दिया था मैंने कौन से हैं, ठीक है। और वो बेसिक करने के बाद आपको चैप्टर स्टार्ट करना है 14 का। फिर 14.1 और 2 हमने कर लिए, थर्ड आज कंप्लीट हो जाएगी, कल हम इसको चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद जो लास्ट जो क्वेश्चन होगा उसके बाद जो लास्ट पेज है उस पर आपको समरी लिखनी है। उस समरी में जितने भी फॉर्मूले यूज हुए हैं इस चैप्टर में सारे फॉर्मूले लिखने हैं आपको, ठीक है। और जो भी फॉर्मूला है, मान लो मीन का फॉर्मूला है, मीडियन का है, मोड का है, तो उसमें जो भी वैल्यू है वो बतानी है वो क्या है। जैसे मीडियन का फॉर्मूला किया था हमने आज, तो उसमें जो एल होता है वो क्या है, सी एफ क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके लिखनी है उसमें, ठीक है। लास्ट पेज पे सब फॉर्मूले लिखने हैं आपको, और कल चैप्टर कंप्लीट होने के बाद कॉपी कंप्लीट कर लेनी है सभी को, नोटबुक चेक होगी स्कूल में आते ही, ठीक है ना। और कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं स्टार्ट आज का हमारा 14.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है, ध्यान से देखिएगा। ये इसमें ये क्या बोल रहा है, ए लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डाटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर। देखो इसमें क्या है, एक एजेंट है जो इंश्योरेंस करता है, ठीक है, उसने कितनी पॉलिसी करी है, 100 पॉलिसी करी है, ठीक है, और एज के हिसाब से करी है वो। देखो कैसे है वो, हमें इसकी मीडियन निकालनी है, कैलकुलेट दी मीडियन इफ पॉलिसी आर गिवन ओनली टू पर्सन हैविंग एज 18 ईयर ऑनवर्ड बट लेस देन 16 ईयर। ये क्या बोल रहा है, ये सिर्फ उन लोगों की पॉलिसी कर रहा है जिनकी एज 18 साल से बड़ी है और 60 साल से छोटी है, ठीक है, उन लोगों की पॉलिसी कर रहा है ये सिर्फ। देखो इसने ये टेबल दे रखी है आपको, टेबल में क्या बोला है इसने, एज और ये हो गया नंबर ऑफ पॉलिसी। तो इसका मतलब देखो, बिलो 20 मतलब जिन जिनकी एज 20 साल से कम है, ऐसे कितने हैं, दो हैं, दो लोग हैं जिनकी एज 20 साल से कम है और उनकी उसने पॉलिसी की है, ठीक है। लेकिन देखो क्वेश्चन में हमें बताया कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, 18 से स्टार्ट करना है, तो इसका मतलब 18 से 20 साल के बीच के कितने हैं, दो हैं, ठीक है। फिर अगला बता दिया बिलो 25, 25 मतलब 25 से छोटे मतलब 18 से 25 हो गए ना, इसमें स्टार्ट तो हमेशा हमें 18 से ही करना है क्योंकि 18 से नीचे तो ये पॉलिसी करेगा ही नहीं। तो इसका मतलब 18 से 25 टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। फिर ये हो गया 18 से 30 कितने हैं, ये 24 हो गए, मतलब जिनकी एज 18 से 30 साल के बीच में है ऐसे कितने लोग हैं, 24 हैं। फिर जिनकी एज 18 से 35 साल के बीच में है ऐसे कितने लोग हैं, 45 हैं। जिनकी एज 18 से 40 है ऐसे कितने हैं, 78 हैं, ऐसे करके बता दिया इसने। और मैक्सिमम एज हमें कितनी लेनी है, 60 लेनी है, और 60 ही दिए इसने कि मतलब 60 साल के कम कितने हैं, 100। तो टोटल कितनी है उसकी, 100 ही तो थी कि उसने टोटल पॉलिसी कितनी करी है, 100 पॉलिसी करी है। और ऑब्वियसली कि 60 से कम वाले कितने मिलेंगे, 100 ही मिलेंगे क्योंकि उसने करनी ही 100 है, ठीक है ना। ये बता रखा है, आपका क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सभी को क्या है। अब हमें तो मीडियन निकालना है इसका, हमें तो पता है मीडियन हम कब निकालते हैं, जब हमारे पास यहाँ पे इंटरवल गिवन होता है तो हम उस पर फॉर्मूला लगा देते हैं, मीडियन आ जाता है। लेकिन इसने यहाँ पे इंटरवल नहीं दे रखा, इसको पहले हमें इंटरवल में चेंज करना होगा। देखो कैसे इंटरवल में चेंज करना है, सबसे पहले ये बताओ सबसे छोटी कितनी लेनी है हमें, 18, और ये है 20 से कम, तो 18 से 20 है ना ये, ठीक है ना, ये लिया है हमने 18 से 20 के बीच में कितने हैं, 2 है, तो हमने लिख दिया
कि 18 से 20 कितने हैं, 2। फर्स्ट इंटरवल बन गया हमारा। अब ये देखो ध्यान से सेकंड वाला, फिर एक समझ में आ गया तो सारे हो जाएंगे। क्या है इसमें, इसने बोला है 25 से कम, तो इसका मतलब इसके बीच इसमें है 18 से 25। 18 से 25 के कितने हैं, ये 6 हैं, ठीक है ना। 18 से 25 के 6 हैं, लेकिन 18 से 20 तो हम ले चुके, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें 20 से 25 के चाहिएंगे ना। 20 तक के तो यहाँ आ गए और ये है 25 तक के, तो 20 से 25 चाहिए हमें, 20 से 25। तो हम क्या करेंगे, इसमें तो है 25 तक के और इसमें है 20 तक के, तो 25 में से अगर हम 20 वाले घटा देंगे तो 20 से 25 वाले बच जाएंगे। तो 6 में से अगर हमने 2 घटा दिया तो कितना बचा, 4। देखो शुरू से देखो, बिल्कुल इसने बोला था 20 से कम एज वाले, तो इसका मतलब 18 से 20 वाले कितने थे, 2 थे, ठीक है। फिर इसने बोला 25 से कम वाले, इसका मतलब 18 से 25 के कितने हैं, 6। लेकिन अब हमें इंटरवल बनाना है, तो इंटरवल में तो हमें चाहिएगा, देखो 18 से 25 के 6 हैं, लेकिन 18 से 20 तक के तो हम ले चुके, ठीक है। अब 20 से आगे के लेने हमें, तो 20 से लेके कहाँ तक के ले लेंगे, 25 तक के। 20 से 25 तक के ले लिए हमने, 20 से 25 क्या हो जाएंगे, 20 वाले घटा देंगे तो 25 वाले बच जाएंगे, तो 6 माइनस 2 कर दिया, 4 आ गया, ठीक है। अब अगला देखो, इसमें है बिलो 30, 30 से कम, इसका मतलब ये कौन से हैं, 18 से 30 है ये, ठीक है। लेकिन 25 तक के हम ले चुके हैं, 25 तक के ले चुके, तो क्या करना है अब हमें, 25 से 30 हो जाएगा, 30 है ना यहाँ पे, तो अगला क्या आएगा, 25 से 30। तो हम क्या करेंगे, इस 30 में से 25 वाले पहले वाले घटा देंगे, 30 तक के कितने हैं, 24, और 25 तक के कितने हैं, 6। तो 24 में से 6 घटा दिया हमने, कितना बच गया, 18। आया समझ में, देखो 18 से 20 2 आ गए, फिर 20 से 25 आ गए, 6 माइनस 2 4, फिर 25 से 30 आ गए, 24 माइनस 6 18 आ गए। अगला देखेंगे ध्यान से, अगला है बिलो 35, तो इसका मतलब 18 से 35 के कितने हैं, 45 है, 45 है ना। लेकिन हम 30 तक का इंटरवल बना चुके हैं, तो 30 से 35 का अगला इंटरवल होगा, और उसमें हम पहले 30 वाला घटा देंगे, ठीक है ना। अब ये 35 तक के 45 थे, 45 में से 24 घटा देंगे हम, 21 आ जाएगा। अब हमें आगे ऐसे ही करते जाना है, देखो बस 5-5 का इंटरवल ले लेंगे, आ गया समझ में, 5-5 का ही तो होता जा रहा है। 35 से अगला 35 से 40 कर देंगे, 40 से 45, ये कंप्लीट कर देंगे हम ऐसे ही। और हम क्या कर रहे हैं, पहले वाली वैल्यू में से इस वैल्यू में से पहले वाली वैल्यू घटाते जा रहे हैं, तो बस आगे यही करना है हमें। जैसे हमने किया 45 माइनस 24, तो कितना आया, 21 आ गया। अगली क्या आएगी, 78 माइनस 45, ठीक है। उससे अगली क्या आएगी, 89 माइनस 78, उससे अगली आ जाएगी 92 माइनस 89, ठीक है। उससे अगली आ जाएगी 98 माइनस 92, और लास्ट आ जाएगी 100 माइनस 98, ये हो गया 2। तो यहाँ तक की टेबल बन गई हमारे पास, जो हमें क्वेश्चन में गिवन होती थी, यहीं तक गिवन होता था ना। अब हमारे पास ये पहले वाला क्वेश्चन बन गया जो हम करते थे, ठीक है। अब इसको हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, उस क्वेश्चन को किया था वैसे ही करेंगे। देखो क्या करना होता है हमें, ये एज हो गई, ये एफ हो गई, इसके बाद क्या निकालते हैं हम, सी एफ निकालते हैं, सी एफ निकाल लेंगे। सी एफ में क्या करते हैं हम, फर्स्ट वैल्यू एज इट इज, टू एज इट इज, फिर हम क्या करते जाते हैं, ऐड करते जाते हैं, 2 + 4 कितना आएगा, 6 आएगा। फिर 6 आ गया, 6 के अंदर हम क्या कर देंगे, अगली वैल्यू को ऐड करते हैं, तो 6 के अंदर 18 ऐड किया हमने, कितना आएगा, सॉरी यहाँ आ जाएगा 6 + 18, कितना आएगा, 24। या 24 आ गया, फिर 24 में हमें अगली वैल्यू ऐड करनी होती है, 24 + 21 कितना आ जाएगा, 45 आएगा। फिर 45 के अंदर हमें अगली वैल्यू ऐड करनी है, 33, कितना आएगा, 78 आ जाएगा। ऐसे करके हमने ये कंप्लीट कर ली सी एफ, यही तो करते हैं ना, अगली वैल्यू ऐड करते चले जाते हैं, सी एफ कल निकालना सीखा था हमने, ठीक है। ये आ गई हमारे पास सी एफ, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, प्लस करके नहीं दिखाया है, ठीक है। वैसे आएगी यही लाइन हमारी, देख लेना चेक करके, ठीक है। यहां तक आ गया सी एफ, इसके बाद देखो एन की वैल्यू कितनी आ गई, 100 आ गई, ठीक है। एन की वैल्यू 100 हो गई, इसके बाद हम निकालते हैं n/2, तो n/2 कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। यहाँ पे एक स्टेप कल रह गया था हमारा, ध्यान से देखेंगे क्या स्टेप था। मैंने ये बोला था कि ये जो 50 वैल्यू आई है, ठीक है, इसके बाद हम इस लाइन में जाते हैं, सीफ वाली लाइन में, और चेक करते हैं जो 50 है वो किसके बीच में है, तो किसके बीच में, 45 और 78 के बीच में है, इन दोनों के बीच में आएगा ना 50। तो इसमें हमें कौन सी वैल्यू लेनी है, हमें हमेशा बड़ी वाली वैल्यू लेनी है, ठीक है।
मैंने कल बोला था कि जो पास है वैल्यू वो लेंगे, लेकिन नहीं, हम बड़ी वाली वैल्यू ले लेंगे क्योंकि आपका आंसर मैच नहीं होगा अगर हमने पहले वाली ले ली तो। बुक में आपका ये जितने भी क्वेश्चन है सबका आंसर तभी मैच होगा जब आप बड़ी वाली वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो आपको कौन सी वैल्यू ले लेनी है, जो भी वैल्यू आई है, मान लो 50 आई है ना, 50 आई है, तो 50 से जस्ट बड़ी कौन सी है, 78 है, 45 तो छोटी हो जाएगी, तो ये वाली नहीं लेनी हमें, 45 नहीं लेनी हमें, कौन सी लेनी है, 78 लेनी है। हर एक क्वेश्चन में यही करना है हमें, जो भी वैल्यू आती है उसे जस्ट बड़ी कौन सी वैल्यू है वही ले लेंगे, 45 नहीं लेनी, 78 ले ली हमने। अब फिर वही करना है, 78 के सामने कौन सा इंटरवल है, 35 से 40 वाला, ठीक है। तो इंटरवल क्या आ जाएगा, 35 से 40 आ जाएगा, तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो इंटरवल में छोटी वैल्यू होती है वही लेते हैं हम, तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, लोअर लिमिट क्या है इसकी, 35, ठीक है। फिर एच, एच क्या होता है, इनके बीच का डिफरेंस, कितना कितने का अंतर है इसमें, 5-5 का, तो एच की वैल्यू आ गई 5। एफ क्या होती है, इस 78 के सामने जो एफ वैल्यू है वो 33 है, तो एफ आ गया 33। फिर सी एफ, सी एफ क्या होती है, जो 78 सी एफ ये है इससे ऊपर वाली वैल्यू होती है, तो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा, सी एफ आ गया 45। फिर फॉर्मूला होता है ये वाला मीडियन का, इसके अंदर सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, वैल्यूज पुट करते ही सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, ये हो गया 35, ये 35 थी एल की वैल्यू, ये 50, सी एफ था 45, एफ था 33 मल्टीप्लाई में 5, इसको सब्ट्रैक्ट किया 5 बचेगा, और 5 का कितना हो जाएगा 25, यहाँ 25 आ गया, डिवाइड में 33, इसको डिवाइड कर लिया हमने, कितना आएगा 0.76, तो आंसर कितना आ गया 35.76। ये क्वेश्चन कर लेंगे सभी, कोई डाउट है तो पूछ लेना। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो देखेंगे एक बार, मैंने पूरा एक्सप्लेन करके नहीं लिखा है, मैंने डायरेक्ट टेबल उतार दी है क्वेश्चन की, ये टेबल दे रखी है, देखो इसमें क्या करना है हमें, टेबल में देखो क्या, क्वेश्चन नंबर 4 में 118 से 126 है, 118 से 126 तक है, और फिर 127 से 135 है, तो इसमें क्या हुआ, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम नहीं है ना, तो ये इंटरवल हमें चेंज करना पड़ेगा, जो 14.1 का ये क्वेश्चन था उसमें जैसे हमने चेंज किया था, इसलिए इस क्वेश्चन में वैसे ही चेंज करना है, ठीक है। तो क्या किया था उस क्वेश्चन में हमने, जैसे पिछला क्वेश्चन था 20 में, तो कितना था, यहाँ 25 है, यहाँ भी 25 है, यहाँ 30 है, तो यहाँ भी 30 है, यहाँ 35 है, यहाँ भी 35 है, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, इस क्वेश्चन में यहाँ 26 है, तो यहाँ 27 आ गया, तो इस इंटरवल को हमें चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करते हैं, पहले वाली वैल्यू में से 0.5 घटाना है और इस वाली वैल्यू में 0.5 ऐड करना है, ठीक है। तो 118 में से 0.5 को हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0.117.5, और इसमें ऐड कर देंगे तो 126.5 हो जाएगा। फिर इसमें घटाना है तो कितना हो जाएगा, 126.5, इसमें ऐड करेंगे तो 135.5 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ये पूरा इंटरवल हम चेंज कर लेंगे। अब देखो, अब ये इंटरवल सही हो गया, यहाँ 126.5 है, यहाँ भी, यहाँ 35 है, यहाँ भी 35, तो अब ये इंटरवल ठीक है, ये वाली वैल्यू सारी हमने एज इट इज लिख दी। फिर हमें आगे वैसे ही करना है जैसे अभी क्वेश्चन किया हमने पिछला, सी एफ निकालनी है। सी एफ कैसे निकालते हैं, फर्स्ट वैल्यू एज इट इज, फिर फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देंगे, 3+5 8 हो गया, फिर जो वैल्यू आएगी उसमें अगली वैल्यू ऐड करते जाएंगे, 8 हो गया, 8+9 कितना हो जाएगा, 17, फिर 17 हो गया, 17+12 कितना हो जाएगा, 29, ऐसे ऐड करते जाएंगे, टोटल कितना आया हमारा, एन की वैल्यू कितनी आई, 40, एन बाई टू कितना हो जाएगा, 20। अब देखो फिर से 20 हो गया एन बाई टू, अब इस लाइन में जाओ और 20 देखो किसके बीच में आएगा, यहाँ आएगा 20, लेकिन बड़ी वैल्यू कौन सी है, 29, तो हमें ये वाली वैल्यू लेनी है, ठीक है। इसका इंटरवल बताओ कौन सा है, ये इंटरवल है इसका 144.5 से 153.5, तो क्या आ जाएगा, ये इंटरवल आ जाएगा, एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 144.5 आ जाएगी, ठीक है। एच कितना है इसमें, इसको सब्ट्रैक्ट करके देख लेना, एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आएगी। एफ क्या होता है, इसके सामने जो वैल्यू है 12, और सी एफ होता है इससे पहले वाली वैल्यू, तो कितनी आ जाएगी, 17। और मीडियन के लिए क्या करेंगे, सारी वैल्यू पुट कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। आज ये 14.3 कंप्लीट कर लेना, 4 क्वेश्चन तक तो मैंने करा ही दिए हैं, 6 क्वेश्चन रह गए, 5, 6 और 7 वो खुद कर लेना, डाउट हो तो पूछ लेना, कल हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।